क्वेश्चन है, शो दैट इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर. ये स्टेटमेंट ना शायद पहले भी लास्ट ईयर आई थी. क्या टॉपिक था? शो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर. तो ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर के अंदर क्या किया था कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट को हम अगेंस्ट ग्रेविटी ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लेके जाएं, हम सीधा ले जाएं, हम घुमा के ले जाएं, हम इंक्लाइन प्लेन से ले जाएं, कैसे भी ले जाएं, वर्क डन की वैल्यू क्या रहेगी? सेम. ग्रेविटेशन की फोर्स कंजर्वेटिव का मतलब ये बताया कि वर्क डन की वैल्यू क्या रहेगी? सेम. यानी कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे, पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करता. कोई डाउट इसमें? ये पहला पॉइंट सबको क्लियर है, पाथ फॉलो पे डिपेंड नहीं करता, इसका मतलब ये है. तो सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी सेम प्रॉब्लम है. अगर मान लो इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड ही इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैं एक चार्ज को उठा के यहाँ से वहाँ रख दूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज को उठा के अगर आपको रखना है तो क्या करना पड़ता है? अमाउंट ऑफ वर्क डन. तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, आप इस चार्ज को यहाँ से यहाँ सीधा रख दें, आप घुमा के रख दें, उठा के रख दें, वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करेगा, रास्ते पे डिपेंड नहीं करेगा. अगर मैं ये प्रूव कर दूं तो मानना पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है. ठीक, इसका प्रूफ एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब एक टिपिकल डेरिवेशन ही है, अंदर कुछ नहीं है इसके, चार लाइन में ख़त्म है. देखने में पता नहीं क्या लगता है कि पता नहीं क्या क्या हुआ, इतना कुछ किया नहीं हुआ. तो इसमें क्या है बेसिकली कि पहले ये लिखा हुआ है फोर्स इज कंजर्वेटिव. कंजर्वेटिव फोर्स होती क्या है? इफ़ वर्क डन बाय फोर्स बिटवीन टू पॉइंट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, मैंने बता दिया. फिर हमने क्या करना है, ये मान लो कोई भी एक चार्ज लेंगे क्यू, क्यू चार्ज ने अपने आसपास क्या लगाया? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया. तो ये देख रहे हो लाइंस किसने प्रोड्यूस किए हैं? इस चार्ज ने. नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि यहाँ पर ई अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग है, यूनिफॉर्म नहीं है. इस नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में एक चार्ज लिया बड़ा क्यू, बड़ा क्यू, उसको ए से उठा के बी पे रख दिया, इस रास्ते के थ्रू रख दिया, ऐसे रख दिया. तुम चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, जैसे मर्जी रखो, पर मैंने ऐसे रख दिया. और मैं प्रूव कर दूंगा कि जो मैं अमाउंट ऑफ वर्क डन करूंगा ए से बी तक, वो अमाउंट ऑफ वर्क डन आर ए और आर बी पे डिपेंडेंट है, रास्ते में किसी पॉइंट पर डिपेंडेंट नहीं है. क्योंकि आर ए का मतलब इनिशियल पोजिशन वैक्टर ऑफ ए, आर बी का मतलब पोजिशन वैक्टर ऑफ बी. तो आर ए आर बी पे डिपेंडेंट है, रास्ते पे डिपेंडेंट नहीं है. क्या है पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? तो इसके लिए एक काम करेंगे, ए से लेके बी तक चार्ज को लेके आते हैं. किस चार्ज को लेके आते हैं? कैपिटल क्यू चार्ज को लेके आते हैं. अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना चाहता हूँ तो अमाउंट ऑफ वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ इंटू डी आर, एफ इंटू आर. प्रॉब्लम ये है कि फोर्स इसमें क्या है? वेरिएबल है. क्योंकि यहाँ पर, यहाँ पर फोर्स कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है. वेरिएबल फोर्स में हमेशा क्या लगती है? इंटीग्रेशन. अगर वर्क डन निकालने तो इंटीग्रेशन. तो वर्क डन सीधा निकालने की बजाय मैंने एक डेफिनेशन यूज कर ली, वो क्या कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, कि मान लो अमाउंट ऑफ वर्क डन मुझे निकालना है, कितने चार्ज को उठा के रखना है? कैपिटल क्यू. इसी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल का डिफरेंस. तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दूं ए और बी का, वही क्या कहलाएगा? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ कैपिटल क्यू. और पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन मैंने क्या यूज कर ली? माइनस ई डॉट डी एल पी से लेके क्यू. तो मान लिया मैंने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया रास्ते में, एक स्मॉल एलिमेंट लिया पी से लेके क्यू, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पी से लेके क्यू तक कितनी है? डी एल ले ली. तो डी एल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है. मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर मान लो कैपिटल क्यू चार्ज आया, यहाँ पे ई की वैल्यू इस क्यू ने कितनी लगाई? 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर. कहाँ लगाई? इस तरफ लगाई, क्योंकि प्लस वन रखेंगे तो ये क्यू प्लस वन को रिपेल करेगा. ई और डी एल में एंगल कितना है? थीटा. तो पी से लेके क्यू तक दो पॉइंट्स हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा? माइनस ई डॉट डी एल, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे? पी से क्यू. पर मेरे को तो टोटल वर्क डन निकालना है, तो टोटल वर्क डन बाद में निकलता है. एक काम करना पड़ेगा, आप सबसे पहले ये इमेजिन करें कि ये आपके डिस्प्लेसमेंट डी एल है और ये ई वेक्टर है. ई में और डी एल में सपोज एंगल कितना है? थीटा. मान लो एंगल थीटा. ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इसके ऊपर, ये डिस्टेंस लें डी आर. कॉस थीटा की वैल्यू होगी डी आर डिवाइडेड बाई डी एल,
तो डीआर डीआर की वैल्यू क्या आएगी, डीएल कॉस थीटा। मैं बताता हूँ डीएल को डीआर में क्यों कन्वर्ट किया, उसका एक रीजन है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे ई की वैल्यू पूछूंगा तो आप क्या बोलेंगे, 1/4 pi epsilon naught q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये देखो ई डीएल कॉस थीटा में ई की वैल्यू पुट कर दी। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर वेरिएबल चल रहा है आर और इंटीग्रेशन चल रही है डीएल, तो मैंने डीएल कॉस थीटा को क्या रिप्लेस किया, डीआर, ये मैंने डीआर कर दिया। और क्योंकि मेरे को टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है कहां से कहां, ए से बी, तो मैंने लिमिट लगा दी आर की, आर ए से लेके आर बी तक की। ये देखो लिमिट लग गई कहां से कहां, आर ए से आर बी। इसको इंटीग्रेट किया, आर की पावर माइनस टू बाहर आ गई, मीन इसकी इंटीग्रेशन आर की पावर माइनस वन बाई माइनस वन, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये वन बाई आर हो गया, आर की जगह आर बी, आर की जगह आर ए, तो आंसर आ गया। तो मेरा वर्क डन सिर्फ दो ही फैक्टर पे डिपेंडेंट है, इनिशियल आर ए पे और फाइनल आर बी पे, पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है। तो ये इसका प्रूफ है, राइट, क्लियर है यहाँ तक। तो मैंने क्या किया, फिर से देखो, मैंने स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस निकाला पी क्यू का, कितना, माइनस ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ई डी एल कॉस थीटा, ई की वैल्यू पुट कर ली, डी एल कॉस थीटा राइट एंगल ट्राइंगल से डी आर सब्स्टिट्यूट कर दिया, आर ए से आर बी इंटीग्रेट किया, आंसर आ गया। मान लो एक मिनट के लिए, वैसे तो ये पेपर में आया नहीं है सीबीएसई के, मैंने देखा नहीं है, पर मतलब ये रूल नहीं है कि मैंने बोला तो आएगा नहीं, मैंने मतलब एनसीईआरटी का टॉपिक है ये, लेकिन चलो एक सेकेंड के लिए आप ये डेरिवेशन भूल गए और पेपर में ये आ गई, आपको कुछ याद ही नहीं है क्या करना है, तो इमरजेंसी एग्जिट बता रहा हूँ, खाली छोड़ के नहीं आना पेपर। तो आपने क्या करना है, लिख लो साइड में, थोड़ा सा भूल भाल गए तो क्या करना है, तो आपने एक डायग्राम बनाना है, बना ले साथ में यहीं पे। तो आपने सिंपली ये करना है, ये आपने क्यू डायग्राम बनाना है, क्यू चार्ज लेना है, क्यू चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए से लेके बी तक आप एक चार्ज को लेके आ रहे हो, कितना, क्यू नॉट को, ए पॉइंट का पोजिशन वैक्टर ड्रॉ करना है आर ए, बी पॉइंट का पोजिशन वैक्टर क्या ड्रॉ करना है, आर बी, बस। फिर आपने ये बोलना है कि देखो ये क्यू चार्ज इस ए पॉइंट पर पोटेंशियल लगाएगा कितना, वी ए, कितना लगाएगा, 1/4 pi epsilon naught q/r a, ये वी ए लगाएगा, ऐसे यहां पे क्या लगाएगा, वी बी, 1/4 pi epsilon naught q/r b, ठीक है, ये लगेगा वी ए वी बी, क्यू चार्ज दोनों जगह पे वी एंड वी बी लगाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है, वर्क डन डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, इस पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि चार्ज ए से बी पे आ रहा है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, तो वर्क डन अपॉन चार्ज, वी बी और वी ए की वैल्यू जब पुट करेंगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। आप चेक कर रहे हैं, आपका वर्क डन इनिशियल और फाइनल पे डिपेंडेंट है, सेम आंसर आया जो अभी आपने डेरिवेशन में किया, चेक कर लो, हो गया प्रूफ। मतलब मैंने डेफिनेशन चेंज कर दी, आपके उस डेरिवेशन में पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन थी माइनस ई डॉट डी आर, पर मैंने डेफिनेशन चेंज करके वी बी माइनस वी ए लगा दी, एक सेकंड में आंसर आ गया। भूल भाल जाओ तो खाली मत छोड़ना, ये तो कम से कम कर ही सकते हो। पॉइंट समझ में आ रहा है, मेरी मर्जी, मैं कोई डेफिनेशन यूज करूं तो मैंने कर दी, ये ज्यादा आसान है, नहीं
बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन स्टैंडर्ड है जो इस पे पूछा जाता है। अब काम की बात बता रहा हूँ, क्या आएगा पेपर में, पेपर में ही आएगा कि सपोज करो आपके पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये क्यू चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, आपने किसी चार्ज को ए से उठा के बी पे लेके गए, फिर बी से उठा के ए पे वापस ले आए, साइक्लिक प्रोसेस कर दिया आपने। तो जब आप ए से बी पे लेके आए तो वर्क डन कितने चार्ज को लेके आए, क्यू नॉट। तो वर्क डन अपॉन क्यू नॉट क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, क्योंकि आप ए से बी पे लेके आए तो बी इज फाइनल, ए इज इनिशियल, वी बी माइनस वी ए। फिर आप बी से ए पे लेके आए तो वर्क डन अपॉन चार्ज क्या होगा, वी ए माइनस वी बी। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन पूरे साइकिल का क्या होगा, ये ऐड करके कैंसिल, नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज जीरो। वो पूछेगा कंजर्वेटिव फोर्सेस में, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इसमें अगर एक चार्ज को साइक्लिक प्रोसेस में घुमाएं तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा, आंसर क्या मां करना है, ऑब्जेक्टिव जीरो, ये आएगा पेपर में, ठीक है। तो ये ऐसे पेपर आते हैं, मतलब ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और पता होना चाहिए कि साइक्लिक प्रोसेस में आंसर जीरो ही आएगा।